वेलकम टू टेली न्यूज़ 24। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरियल अपना टाइम भी आएगा से जुड़े सबसे बड़े अपडेट्स के बारे में, जहां पर अब वीर और रानी दोनों के सामने आ गया है नकली डिवोर्स पेपर का सच। जी हाँ, यहां पर आप देखेंगे कि वीर रानी से माफ़ी मांगने पहुंचता है, लेकिन यहां पर रानी वीर को माफ़ नहीं करती है, ना ही यहां पर रामू काका वीर और रानी को मिलने देते हैं, क्योंकि यहां पर रामू काका वीर से बोल देते हैं कि रानी अपना आत्मसम्मान नहीं खोएगी, क्योंकि वो कल फिर से उसके ऊपर ऐसे इंजाम लगाएगा, कल फिर से उसके ऊपर इस तरह से शक करेगा। इसलिए यहाँ पर रामू काका वीर को रानी से नहीं मिलने देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर वीर रानी से माफ़ी मांगने के लिए एक नया तरीका निकालता है और वह रामाधीर किराना स्टोर के लिए कुछ मजदूरों के साथ मिलकर सामान लेकर आता है और रामू काका से रानी से बात करने की इजाज़त मांगता है। वहीं इसी के बाद जब यहाँ पर वीर को रानी से बात करने की इजाज़त मिल जाती है, तो यहाँ पर वीर रानी के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश कर, लेकिन यहाँ पर रानी वीर पर गुस्सा करती है और उसे बोल देती है कि वो आज तक उन्हें समझ ही नहीं पाई है, कभी वो जमीन के कागज छुड़ाकर उसे पत्नी होने का हक देते हैं और लेकिन वहीं दूसरे पल डिवोर्स के पेपर भेजकर उससे सारे हक छीन लेते हैं, कभी उसे नफरत दिखाते हैं, कभी माफ़ी मांगने आ जाते हैं। वहीं यहाँ पर रानी की बात सुनकर वीर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वीर रानी को बताया है कि डिवोर्स पेपर उसने नहीं बल्कि डिवोर्स पेपर तो उनकी तरफ से आए थे, जिस पर उनके साइन भी थे। वहीं पर वीर की बात सुनकर रानी एकदम हैरान हो जाती है, वो वीर को बोल देती है कि नहीं, डिवोर्स पेपर तो उनकी तरफ से आए थे, कियारा और जयसिंह वो डिवोर्स पेपर लेकर आए थे। और यहाँ पर वीर और रानी दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। वहीं अब ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि यहाँ पर अब रानी सा का सच आ जाएगा वीर और रानी के सामने कि नकली डिवोर्स पेपर का सारा खेल रानी सा ने खेला था। जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, क्योंकि इसकी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। सीरियल अपना टाइम भी आएगा से जुड़ा ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें।